ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 6 अगस्त 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला साधारण बाप नहीं है, लौकिक दुनिया का बाप नहीं है, लौकिक दुनिया का हद का बाप भी नहीं है, बेहद का बाप भी नहीं है। कौन है समझाने वाला? बेहद का रूहानी बाप है और बैठ समझाते हैं। रूह तो बिंदी को कहा जाता है, फिर बिंदी बैठती है, भागती है, खड़ी होती है, ये सवाल पैदा होता है, हा? बैठ माने कोई तन में बैठ के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और समझने वाले भी रूहानी बच्चे हैं। जिस्मानी स्टेज में रहने वाले बच्चे समझने वाले नहीं हैं और न बाप उनको समझाते हैं। रूहानी बच्चों को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बच्चे तो अनेक हैं और सागर तो एक है। अनेक सागर नहीं है, मुकर्रर रूप से सागर तो एक ही है, परंतु जब अलग अलग धर्म खंडों के द्वारा विभाजन हो जाता है तो अनेक सागर हो जाते हैं, और वो अनेक प्रकार के सागर चैतन्य सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, परंतु लिमिटेड हैं। और बेहद ज्ञान का सागर सिर्फ एक ही बाप है। ये बच्चों को समझाया गया है। कि बंबई में बहुत सोशल वर्कर्स की मीटिंग हो रही है, ऐसे ही समझो बाप समझाते हैं। अभी बंबई में यहाँ ये मीटिंग करते हैं, उस स्थान का नाम है भारत विद्या भवन। अभी विद्या होती है दो प्रकार की, एक होती है जिस्मानी विद्या जो कॉलेजों में स्कूलों में दी जाती है, अभी उनको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहां कोई दूसरी चीज है, अभी विद्या किसको कहा जाता है ये तो मनुष्य जानते ही नहीं है। नाम क्या है? विद। विद माने जानकारी, विद से बनता है वेद। और विद धातु से ही बनता है विद्या। रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। इस हाल में अक्सर करके गीता का ही ज्ञान देते हैं और वेद शास्त्र के ज्ञान को ये विद्या कहते हैं। अब ये शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग,
क्यों? वो विद्या क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चाई की जानकारी तो है ही नहीं, जानते ही नहीं है कि गीता का ज्ञान किसने दिया, कब दिया, किसको दिया, कैसे दिया। समझते हैं दो सेनाओं के बीच में दिया। अब दो सेनाओं के बीच में, जहां दो सेनाएं आपस में क्रोध में लड़ने के लिए तैयार हों, खून खराबा करने के लिए तैयार खड़ी हो, वहां कोई ज्ञान का वातावरण बनेगा क्या? तो ये भक्ति मार्ग को विद्या का ज्ञान नहीं कहा जाता है। भक्ति मार्ग में बुद्धि किसी की एक ठिकाने नहीं लगती, बुद्धि भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में न जिस्मानी विद्या है, न रूहानी विद्या है। भक्ति को रूहानी मार्ग नहीं कहा जाता है। रूहानी विद्या अथवा रूहानी मार्ग ये तो एक ही होता है। विद्या को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी, और नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। क्योंकि और तो सब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, तो पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं। षष्ठी के आदि मध्य अंत को कोई जान ही नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। और गीता सुनाते हैं, नाम कृष्ण का लेते हैं, अब कृष्ण को तो नॉलेज फुल कहा ही नहीं जा सकता। एक तरफ गाते हैं कि सतयुग आदि में हे कृष्ण नारायण का राज्य था, कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अब सृष्टि की आदि किसने की? आदि देव कृष्ण को कहते हैं क्या? कहीं शास्त्रों में कृष्ण को आदि देव कहा है? तम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, ये किसकी महिमा करते हैं? है आदि देव, आदिनाथ, आदि पुरुष, आदम, एडम, किसकी तरफ इशारा करते हैं? कृष्ण की तरफ इशारा करते हैं क्या? भारत में तो आदिदेव शंकर को कहा जाता है, परंतु शंकर तो याद में बैठा है। जो याद में खुद ही बैठा है तो अपने से ऊंच किसी को याद कर रहा है ना, भगवान हो सकता है क्या? ऊंची से ऊंची तो भगवान गाया हुआ है। तो कह देते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर से पहले किसका नाम लगाते हैं? शिव का नाम लगाते हैं। ऐसे नहीं कहते शंकर शिव भोलेनाथ। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो बड़ा होता है उसका नाम पहले लिया जाता है।
तो बाप समझाते हैं कृष्ण को, नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। शिव बाबा की तो महिमा ही अलग है। और कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। ये भारतवासी मुझ पड़े हैं। गीता का भगवान कृष्ण को समझ बैठे हैं। गीता को माता कहते हैं, कृष्ण को गीतापति भगवान कहते हैं। अब भगवान ने तो ज्ञान का ही गीत गाया है, ज्ञान का सागर जरूर ज्ञान का गीत गावेंगे। परंतु ज्ञान सुनाने वाला कृष्ण कैसे हो सकता है? तो विद्या भवन आदि जो खोलते रहते हैं, वो खोलने वाले भी समझते कुछ भी नहीं है। अब वास्तव में विद्या है गीता का ज्ञान है। विद्या की देवी किसे कहते हैं? सरस्वती को। सरस्वती जगदम्बा कहा जाता है। सब जानते हैं कि और धर्म और धर्मशास्त्र और उनके धर्म पिता, ये सब 2500 वर्ष की हिस्ट्री के अंदर आए हैं। गीता के लिए तो लिखा है 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। तो अगर उनकी बात मान भी लें भक्ति मार्ग वालों की, तो पुराने से पुराना ग्रंथ कौन सा हुआ? गीता हुई, कुरान हुई, एंजल हुई या बाइबल हुई या बौद्धियों का धर्म ग्रंथ हुआ? पुराने से पुराना ग्रंथ कौन हुआ? गीता। तो जो गीता माता कही जाती है और गीता पति भगवान कहा जाता है, तो गीता सर्व ग्रंथों की माई बाप होनी चाहिए। सब ग्रंथों का सार गीता में है, परंतु वह सार देने वाला कौन है? गीतापति भगवान कौन है? गीता माता के रोम रोम को जानने वाला बाप कौन है? वो कोई जानते नहीं है। गीता का ज्ञान तो एक ही बाप में है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य मात्र भले कितने भी विद्वान हो, पंडित हो, शास्त्र पढ़े हुए हो, वो है ही शास्त्रों की भक्ति मार्ग की विद्या। उनको भक्ति की अथॉरिटी कहेंगे। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान की अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो शास्त्र पढ़ के विद्वान पंडित आचार्य बनते हैं। धर्म पिताएं आते हैं, बल शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, ओरली सुनाते हैं, परंतु उनके शास्त्र सुनाने के बाद जो रिजल्ट आया है
वो दुनिया के पतन का रिजल्ट आया है या नई दुनिया बनाने का रिजल्ट आया है? अरे भगवान आवेगा तो नई दुनिया सतयुग बनावेगा, जिस नई दुनिया में हे कृष्ण नारायण वासुदेव का राज्य गाया हुआ है शास्त्रों में, और जो धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने जो ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान से कोई भी नई दुनिया स्थापन नहीं होती है। नई दुनिया में तो एकता होगी या अनेकता होगी? नई दुनिया में अद्वैत देवताएं होंगे या द्वैतवादी लड़ने झगड़ने वाले मनुष्य होंगे? भगवान को तो सभी धर्म वाले मानते हैं। क्राइस्ट ने ऐसे तो नहीं कहा मैं भगवान हूं। भगवान को ऊंचते ऊंच मानते हैं। भक्ति के शास्त्रों में जो भी नॉलेज है अल्पकाल की नॉलेज है, और ये अल्पकाल की नॉलेज आधा कल्प से चली आई है। जैसे और धर्मों की नॉलेज है वो आधा कल्प से चली आई है, वैसे ही भारत के जो शास्त्र हैं उनकी भी नॉलेज आधा कल्प से चली आई है। तो ये जो नॉलेज है जो आधा कल्प से चली आई है उसकी हिस्ट्री बताती है कि दुनिया नीचे गिरी है। वो नॉलेज या विद्या सीखते सीखते या ऊंची उठी है, नीचे गिरी है, तो साबित हो जाता है वो विद्या के नाम पर अविद्या है, ज्ञान के नाम पर अज्ञान है। भारतवासियों का धर्मशास्त्र वास्तव में है तो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, परंतु भगवान किसको कहा जाए यह भारतवासी नहीं समझते। वो समझते हैं कि कागज में जो लिखी हुई, पुस्तक में लिखी हुई जो गीता है वो भगवान ने सुनाई है। अब वास्तव में कोई भी धर्म पिता आता है तो कोई पुस्तक लिख करके थोड़े ही सुनाता है, न पुस्तक लिखता है, वो तो ओरली सुनाता है। फिर जब उनकी जनरेशन बहुत बढ़ जाती है तब पुस्तकें बनाई जाती हैं, जब लाखों की तादाद में उनकी आबादी हो जाती है। ऐसे ही जो धर्म पिताओं का भी धर्म पिता है, बाप है, वो भी इस सृष्टि पर जब आता है तो ओरली गीता ज्ञान देता है। वो कोई गीता शास्त्र बैठ करके पढ़ाता नहीं है, वो जो भी समझाता है वो समझाने वाला रूहानी बाप है, कोई भी जिस्मानी व्यक्ति नहीं है। ये भक्ति मार्ग वाले तो कृष्ण को कह देते हैं, राम को कह देते हैं, कुछ नहीं तो अपन को ही कह देते हैं, ब्रह्मास्मि। शिवो हम, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले सभी में भगवान है। अभी तो ये समय भी तमो प्रधान है,
क्योंकि रावण राज्य है ना, तो जो शास्त्रों का ज्ञान है वो भी तामसी बन गया। पहले शास्त्रों में फिर भी कुछ सच्चाई थी, क्योंकि जिन्होंने शास्त्र लिखे थे वो फिर भी सच्चाई को जानते थे। बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनते गए, बुद्धि विकारी होती गई, उन शास्त्रों के अर्थ भी अनर्थ करते चले गए। जिसने शास्त्र लिखे वो तो रहे नहीं, उनके स्थान पर दूसरे लोग गद्दी पे बैठ गए। उन्होंने मनमाने तरीके से इंटरप्रिटेशन व्याख्याएं करना शुरू कर दी, तो अनेक मतें हो जाती हैं। इन अनेक मतों के कारण ही रावण को क्या कहते हैं, शासन ना, रावण को अनेक मत साबित करने के लिए अनेक सिर देते हैं। मत कहां से निकलती है? सिर से ही निकलती है। तो रावण को 10 सिर दे दिए। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। ये सब बातें पत्थर बुद्धि नहीं समझते हैं, वो क्या समझ लेते हैं, ऐसा कोई 10 सिर का रावण हुआ होगा। तो शिव बाबा इन बातों का बैठ अर्थ समझाते हैं कि शास्त्रों में या प्राचीन चित्रों में जो जो बातें चित्रित की गई हैं चित्रकारों के द्वारा या शास्त्रकारों के द्वारा, उस समय वो अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में बनाए गए 2,500 वर्ष के पुराने चित्र भी सत्वप्रधान थे और शास्त्र भी सत्वप्रधान थे। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने बनाए। जैसे और धर्म पिताएं जब आते हैं तो सत्व प्रधान होते हैं, तमो प्रधान होते हैं, है? सत्व प्रधान होते हैं। ऐसे ही दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान, बाद में तमो प्रधान। तो शास्त्र भी पहले सत्व प्रधान थे। सत्व प्रधान होने के कारण जो भी भक्ति होती थी वो अभिविचारी भक्ति होती थी। एक की भक्ति करते थे, अनेकों की भक्ति नहीं करते थे। खुदाइयों से भी पता चला है कि पुरानी से पुरानी लिंग मूर्तियां मिली हैं और देवताओं की इतनी पुरानी मूर्तियां नहीं मिली हैं। उससे क्या साबित होता है कि पहले एक की ही पूजा होती थी, बाद में अनेकों की पूजा होने लगी। तो कहेंगे अभी तमो प्रधान समय है, ये बातें शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बलोन भक्ति मार्ग वाले विद्वान पंडित आचार्यों को समझाया जावे तो भी इतना नहीं समझेंगे। इतना माने कितना? जितना तुम बच्चे समझते हो इतना इतना नहीं समझेंगे। उनको इतनी बुद्धि ही नहीं है, हाँ? अच्छा, विद्वान पंडित आचार्यों को बुद्धि ही नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते है? नहीं, उनको बुद्धि इसलिए नहीं है कि वो आत्मा को ही नहीं जानते। वो आत्मा को अलग कर देते हैं
और मन बुद्धि को अलग कर देते हैं। बाप समझाते हैं कि वास्तव में मन बुद्धि ही आत्मा है। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो सब इंद्रियां विराजमान है शरीर में, पूरा शरीर विराजमान है। क्या चीज चली गई? जो मनन चिंतन मंथन करने की पावर है, जो फैसला करने वाली बुद्धि है, वो ताकत चली गई। उसको ही मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। इस बात को न जानने के कारण कि वो आत्मा का स्वरूप क्या है, कहते भी हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, रोज पढ़ के सुनाते भी हैं, अणोणीयांश मनुस्मरेति है, आत्मा अण रूप है, लेकिन फिर कहते थे अंगुष्ठा स्वरूप है। तो मुगालते में है, पक्का निश्चय बुद्धि नहीं है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, और ये ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की यादगार मस्तक में बिंदु बिंदु दिखाया हुआ है। आत्मा शरीर का राजा है तो राजा कहां बैठेगा? शरीर में जितने भी अंग हैं, उन अंगों में जो उत्तमांग कहा जाता है वहीं बैठेगा। उत्तमांग में भी जैसे राजा, महामंत्री, सेनापति, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में ही बैठता है, ऐसे ही शरीर में ये जो दो आंखें हैं, वो प्रधान है। इन दो आंखों के बीच में वो आत्मा विराजमान है। जैसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चे मेरी आंखें हो, तो हम समझ लेते हैं कि हाँ हम भी आंखें, हम भी आंखें, हम भी आंखें, लेकिन वास्तव में शिव बाबा को पहले पहले पहचानने वालों को आंखें कहा जाएगा या स्थूल आंख वाले को आंखें कहा जाएगा? कौन पहचानते हैं? है? राम और कृष्ण। तो ये राम कृष्ण की आत्माएं जैसे शिव भगवान की दो आंखें हैं, जिन आंखों से इस संसार को वो देखते हैं, बाकी उनको अपनी आंख तो होती नहीं। तो शिव बाबा बैठ समझाते हैं कि वो विद्वान पंडिताचार्य आत्मा के स्वरूप को न जानने के कारण, देह अभिमानी होने के कारण इतना नहीं समझ सकते। बोले बड़े बड़े पंडित विद्वान आचार्य हैं, बड़ी बड़ी मजलिस को समझाते हैं, तो भी जो सत्य ज्ञान है, जिसे ज्ञान कहा जाए, रूहानी विद्या कहा जाए, उस विद्या को जितना तुम बच्चे समझते हो वो नहीं समझ सकते। कारण क्या बताया? क्योंकि उनको आत्मा के स्वरूप का पक्का निश्चय नहीं है, न निश्चय है तो प्रैक्टिस भी नहीं करते। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, बिंदु समझने की, चैतन्य ज्योति बिंदु स्वयं प्रकाशित आत्मा समझने की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो सूक्ष्म बुद्धि बनेंगे या जड़ बुद्धि बनेंगे? जड़ बुद्धि बनती जा रही है, और तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि बनती जा रही है। तो सूक्ष्म बुद्धि में ज्यादा ज्ञान बैठेगा या देह समझने वाली दैहिक बुद्धि में, जड़ बुद्धि में ज्यादा ज्ञान बैठेगा? इसलिए बोला तुम इतना समझते भी हो, परंतु वो इतना भी नहीं समझते समझेंगे। माना आगे चल के भी जितना तुम बच्चे समझते हो उतना वो नहीं समझेंगे।
कहेंगे उनके पास वह बुद्धि ही नहीं है जो बुद्धि भगवान आकर के देते हैं, जो तीसरा नेत्र भगवान आकर के हमको देते हैं, वो तीसरा नेत्र उनके पास है ही नहीं। पहले तो यह समझें कि ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। कोई विद्वान पंडित आचार्य आवे समझने के लिए तो पहले क्या समझाना है, है? पहले ये परिचय देना है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है, बाकी तो सब गड्ढे गड़ीचियां नदियां और पोखरे हैं। चलो कोई मानसरोवर भी हो सकता है, लेकिन मानसरोवर में भी जल कहां से आता है? है कहेंगे पहाड़ों से आता है। अरे पहाड़ों पर कहां से आता है? सागर से आता है। तो मानसरोवर भी स्वयं ज्ञान का सागर तो नहीं, हां पारदर्शी जल है। उस जल के अंदर कहेंगे कोई मिलावट कोई कचड़ा नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा है। और जो है ज्ञान का सागर गीतापति भगवान, उस गीतापति भगवान को आकर के बैठ करके समझो कि वो कौन है। तो कहेंगे निराकार है, तो क्या बताना पड़े? जब निराकार है और आत्मा भी निराकार है, तो आत्माएं भी जब निराकार और परमपिता परमात्मा भी निराकार, तो साबित हो जाता है कि हम आत्माएं शालिग्राम है, यादगार बनी हुई है शालिग्राम की। हम अल्प बुद्धि है इसलिए छोटे शालिग्राम बनाए जाते, और वो विशाल ते विशालतम बुद्धि है इसलिए वो बड़ा शिवलिंग बनाया जाता है। हम शालिग्रामों ने छोटा कर्तव्य किया है, और हम आत्माओं के बाप ने बड़े ते बड़ा कर्तव्य किया है इसलिए लिंग शिवलिंग बड़ा दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। वास्तव में कोई बड़ा है नहीं। कैसा है? जैसे हम ज्योतिबिंदु आत्माएं हैं, वैसे हमारा बाप भी ज्योतिबिंदु आत्मा है। सांप का बच्चा भी सांप जैसा लंबा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा मोटा ताजा, कीटाणु का बाप भी कीटाणु, ऐसे ही हम आत्माओं का बाप भी ज्योतिबिंदु आत्मा। परंतु उसकी महानता समझाने के लिए, उसके कर्तव्य को बड़ा दिखाने के लिए वो स्वरूप बड़ा दिखाया जाता है। बाकी है एक ही आत्मा सुप्रीम सोल जो ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान न देवताओं में था न मनुष्यों में है न राक्षसों में है। जो ज्ञान आत्मा का परमात्मा का सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमपिता परमात्मा देते हैं, वो ज्ञान देवताओं में भी नहीं। कोई कहे देवताओं में नहीं, महादेव में तो है, वो देवता नहीं है, है? देवता तो है, परंतु देवता है वो याद में किसकी बैठा है? उसे याद करने की क्या दरकार? तपस्या में क्यों बैठा है? इसका मतलब उससे भी ऊंचा कोई है, और जो उससे भी ऊंचा है वो ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो ज्ञान का सागर है। भविष्य को भी जानता है और पास्ट को भी जानता है और वर्तमान को भी जानता है। कहे उसका नाम क्या है? अगर है वास्तव में
और इस सृष्टि पर आकर के कर्तव्य करता है तो उसका नाम भी तो होगा। नाम साबित करके बताओ क्या है। वो कहे हम भी तो शिव कुमार हैं, हमारा भी नाम शिवनंदन है, है? हाँ, नाम तुम भले रखा लो शिव के ऊपर, लेकिन जो वो सदा शिव कहा जाता है उस सदा शिव की तरह सदैव कल्याणकारी एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है जो सदा कल्याणकारी हो। मन के संकल्पों से सदा कल्याणकारी हो कोई है? कोई नहीं कह सकता छाती ठोक करके हमारे मन के संकल्प सदैव कल्याणकारी है। कर्मेंद्रियों के कर्मों से भी सदैव कल्याणकारी है, उसकी कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म होंगे उनका रिजल्ट कल्याणकारी ही निकलेगा, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। तो कर्म से भी कल्याणकारी, मनसा से भी कल्याणकारी और वाचा से जो भी शब्द निकलेंगे, शब्द मात्र, एक एक अक्षर मात्र आता है ना मुरलियों में, इसकी इनकी एक अक्षर का फर्क पड़ गया ना, तो ये जो अक्षर का फर्क पड़ा वो भी झूठ नहीं हो सकता। झूठ माने अकल्याणकारी, सब कुछ कल्याणकारी है, मनसा वाचा कर्मणा से कल्याणकारी है और हर समय कल्याणकारी है, सदा कल्याणकारी है। तो हम समझा सकते हैं कि उसका नाम ही है शिव, उसके काम के आधार पर। परंतु वो बेचारे ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है। इतना तक मान लेंगे कि हाँ शिव है, फिर ये समझाना उनको और कठिन है कि वो शिव कौन है। गाते भी हैं निराकार शिव परम पिता परमात्मा, इतना बोलते तो हैं, गायन किसका होता है? अरे गीत किसके गाए जाते हैं, गायन किसका होता है? कोई हुआ होगा उसका गायन होगा या हुआ ही नहीं है उसका गायन होगा? कोई हुआ है साकार में उसका गायन होता है, उसका गायन है निराकार शिव। वो निराकार क्या समझ लेते हैं? वो समझ लेते हैं है ही नहीं, या बिंदी है, ऐसी बिंदी जिसका लंबाई चौड़ाई है ही नहीं, आकार प्रकार है ही नहीं, तो समझाना पड़े कि जैसे और धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या वो उनके चित्र तो मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, गुरु नानक के चित्र मिल रहे हैं, ज्यादा पुराना चित्र तो नहीं है, 400-500 साल पहले गुरु नानक हुए, उनका जो चित्र है वो चित्र उनके फॉलोअर्स में इस तरह कोई चित्र दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्या खासियत है उस चित्र में? निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है, देखने से ही ऐसा लगता है कि जैसे इस सृष्टि पर होते हुए भी उनकी आत्मा मन बुद्धि इस सृष्टि में विराजमान नहीं है, कहीं ऊपर रखी हुई है ऊंची स्टेज में। ऐसे ही क्राइस्ट, उनका भी चेहरा की ध्यान से देखो, जो भी धर्म पिताएं हुए हैं महात्मा बुद्ध जिनके भी चित्र मिलते हैं वो चित्र उनके निराकारी स्टेज के चरित्र को
साबित करते हैं। तो ऐसे ही उन धर्म पिताओं का जो बापों का भी बाप है, वो भी इस सृष्टि पर साकार में आकर के भी, साकार चित्र होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला संसार में प्रत्यक्ष होता है। ऐसे नहीं कि जैसे तथाकथित ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियां बोलते हैं कि भगवान आया हुआ है, किस तन में आया हुआ, कहेंगे देखो ये ब्रह्मा तन में आया था, तो क्या बताना पड़े। कोई भी धर्म पिता तो नहीं है ऐसा जो निराकारी स्टेज वाला ना हो। तो अगर ब्रह्मा के तन में भगवान बनकर के आया, नई दुनिया स्थापना करने वाले के रूप में आया, तो ब्रह्मा का कोई ऐसा चित्र है जिसमें उनकी निराकारी स्टेज झलक रही हो? उनके पास हजारों चित्र हैं, किसके? ब्रह्मा के। लेकिन निराकारी धर्म पिताओं जैसी स्टेज वाला कोई चित्र नहीं है। तो शिव तो निराकार है, और जो निराकारी है वो जरूर निर्विकारी होगा ही होगा। जितना निराकारी स्टेज वाला होगा उतना निर्विकारी जरूर होगा। निर्विकारी निरहंकारी होगा, देह का अहंकार नहीं होगा। तो गायन है निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी, उसको कहते हैं शिव। और उसके टाइटल में लगाया जाता है परमपिता परमात्मा। टाइटल में ऐसे नहीं कहते परमात्मा परमपिता, शिव परमात्मा परमपिता ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं कहते? परमपिता पहले क्यों लगाते हैं, परमात्मा शब्द बाद में क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो परमात्मा है। विद्वान आचार्य पंडितों ने ये समझ लिया है कि हम सब आत्मा सो परमात्मा है? नहीं, वो जिस मुकर्रर रथ में आता है वो मुकर्रर रथ धारी ही परमात्मा है, परमात्मा के रूप में गाया जाता है। वास्तव में सदैव परमात्मा वो भी नहीं है। क्यों? नीच काम नहीं करता वो आत्मा, नीच काम कभी नहीं करती? करती है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो सबसे पहले शूद्र वो ही बनता है, पहला ब्राह्मण भी वो ही, तो पहला शूद्र भी वो ही। तो नीच कर्म करने वाली आत्मा को परमात्मा कहा जाता है क्या? है नहीं, नीच काम करे तो फिर उसको परम पाठधारी कहेंगे। हाँ, इसलिए जब शिव प्रवेश करते हैं उस समय की बात है, शिव परमपिता परमात्मा। तो शिव के लिए टाइटल है परमपिता, माने ऊंचे ते ऊंचा पिता, जिसका पिता कोई भी नहीं होता। धर्म पिताओं का भी पिता है जिसे आदम एडम कहते हैं। धर्म पिताएं भी तो मनुष्य ही थे, उनसे पहले कोई मनुष्य नहीं था क्या? देवताएं थे, उससे पहले कोई नहीं थे। आदि में कौन था? आदि में एक ही है जिसको कोई ज्ञान देने वाला साकार में नहीं होता। तो वो आदि पुरुष, वो आदिनाथ, वो आदम, वो एडम, वो पार्ट बजाने वाली आत्मा को परमात्मा टाइटल देते हैं, लेकिन वो तमो प्रधान समय का टाइटल नहीं है। किस समय का टाइटल है? जिस स्टेज में सुप्रीम सोल निराकार शिव परमपिता ने उसमें प्रवेश किया तब का टाइटल। ऊंचे ते ऊंचे मनुष्यों का आप जो बाप है
उस बाप का भी बाप शिव है, इसलिए वो परमपिता है। ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को भी परमपिता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? देवता कहेंगे। शंकर को महादेव कहेंगे, परमपिता तो नहीं कहेंगे। अगर परमपिता कहें तो क्या प्रश्न पैदा होता है? अरे प्रश्न खड़ा हो, हाँ किसकी याद में बैठा है वो? याद किसको? तपस्या किसकी कर रहा है? ये प्रश्न उठ खड़ा होता है। तो विष्णु है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। जो नई सृष्टि के पालक बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं, उस नई सृष्टि की पालना करने वालों का कंबाइंड रूप चित्रकारों ने विष्णु बना दिया है। बाकी ऐसे नहीं कि रावण की तरह अनेक भुजाओं वाला, अनेक सिरों वाला कोई हो, नहीं। वो सिर्फ समझानी है चित्रकारी की कि दो हो जाएं स्त्री के रूप में और दो हो जाएं पुरुष के रूप में। ये चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। प्रैक्टिकल में है राम सीता वाली आत्माएं, और उनमें प्रवेश होने वाली आत्माएं जो सहयोगी के रूप में कार्य करती है वो है राधा कृष्ण की आत्माएं। ये चार भुजाओं का कॉम्बिनेशन विष्णु कहा जाता है, उसको भगवान नहीं कह सकते। भगवान चार को कहा जाएगा या एक को कहा जाएगा? भगवान तो एक ही को कहा जाता है। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण देवता ठहरे, भगवान नहीं है। वो नई दुनिया के मालिक थे, भगवान ने उनको मालिक बनाया। भगवान खुद कभी मालिक नहीं बनता। तो उनको, लक्ष्मी नारायण को या राधे कृष्ण को या ब्रह्मा को या विष्णु को या शंकर को भगवान तो कदाचित नहीं कहा जा सकता। कदाचित माने कभी भी। बाप समझाते हैं, भगवान तो सभी का एक ही है। सभी का माने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, नास्तिक हो, सबका भगवान तो एक ही है। अरे कोई कहे नास्तिक तो भगवान को मानते ही नहीं। जब मानते ही नहीं तो उनका भगवान कहां से हुआ? एक न एक समय ऐसा आता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नास्तिक आत्मा को भी ये रियलाइज करना पड़ता है कि भगवान कोई चीज है और प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर कार्य कर रहा है। तो सभी का भगवान एक है, सभी आत्माएं भाई भाई हैं, आत्माओं का बाप एक ही है परमपिता परमात्मा, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। क्या कहा? उनको कह के दूर क्यों कर दिया जब ब्रह्मा के तन में ही बैठ के बोल रहा है? है? बोल बटुआ, क्यों कह दिया उनके? उनको कहा जाएगा, ब्रह्मा के तन में बोल रहा था, ब्रह्मा को क्यों नहीं कहा? क्योंकि ब्रह्मा के तन में बोलने वाला शिव तो था, लेकिन ब्रह्मा वाली आत्मा परमपिता परमात्मा का पार्ट नहीं बजाती। अगर बजाया होता, कार्य संपन्न किया होता उस रूप में, तो दुनिया में उस चित्र की पूजा होती, मंदिर होते, मूर्तियां बनाई जाती। देवताओं में ये ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है।
रचयिता का ज्ञान होने से रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान भी रचयिता से मिल जाता है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का अर्थ भी समझते नहीं है। प्राचीन है तो वो टाइम कौन सा है जिसे प्राचीन कह दिया है? सतयुग को कहे प्राचीन, लेकिन सतयुग का भी निर्माण किसने किया? कभी तो किया होगा, सतयुग से पहले होता है कलयुग, तो कलयुग को तो प्राचीन नहीं कहेंगे। कलयुग प्राचीन है, आज की दुनिया वाले कलयुग को प्राचीन कहेंगे या कलयुग की दुनिया को? अभी नई नई तैयार हुई है अभी, उसे प्राचीन कहां से कहेंगे? प्राचीन का अर्थ समझते नहीं है। वास्तव में सतयुग है नई दुनिया, प्रामाणिक प्रकष्ट रूपेण, पुराने ते पुराना रूप सतयुग नई दुनिया कहा जाएगा। परंतु सतयुग में भी शुरुआत कहां से माने? पहला नारायण जो राज्य लेता है उस नारायण की शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है? उस नारायण की शास्त्रों में हिस्ट्री है या उससे भी पहले का कोई नारायण है जिसकी शास्त्रों में हिस्ट्री है? कौन से नारायण की बात है? सतयुग को प्राचीन तो कहें, परंतु कौन सा सतयुग? वो स्वर्णिम सतयुग है जो बाप ने आकर के स्थापन किया था। सतयुग के पहले जन्म को प्राचीन नहीं कहेंगे, पहले जन्म का फाउंडेशन जो डालने वाला है वो है पुराने से पुराना परम पुरुष। सतयुग नई दुनिया है जरूर, परंतु सतयुग में देवताएं थे या ऋषि मुनि थे? सतयुग में तो, सतयुग के पहले जन्म में तो देवताएं थे ना, तो ऋषि मुनि कहां हुए? जिन सप्त ऋषियों का गायन है, नारद का गायन है, वो कहां के हैं? हाँ, जो भी शास्त्रों में सप्त ऋषियों का गायन है, ऋषि मुनियों का गायन है, बैठ करके उन्होंने तपस्या की है, सृष्टि के बारे में उन्होंने बहुत गहराइयां जानकारी ली, वो किस समय की बात हुई? संगम युग की बात है, जो सतयुग से पहले था। हाँ, जिन ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र लिखे हैं वो तो बाद में आए हैं। कब? द्वापर युग से आए हैं, वो इस ज्ञान को नहीं जानते। जानते होते तो दो दो बातें नहीं करते। भगवान के बारे में कहते हैं 10 अवतार लिए, फिर कहते हैं 24 अवतार लिए, फिर कहीं कहते हैं भगवान एक ही है, तो अनेक बातें हो गई ना। फिर कह देते हैं नीति नीति, हम उसके आदि मध्यंत को नहीं जानते, हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते ही नहीं। अब वो ही नहीं जानते तो भारतवासी जो अभी तमो प्रधान हो गए हैं कलयुग में, वो कैसे जान सकते हैं? माना जो भी आज ज्ञान सुनाया जा रहा है मनुष्य गुरुओं के द्वारा, वो सारा ज्ञान तमो प्रधान झूठा ज्ञान हो गया। इस समय साइंस का घमंड देखो कितना है। क्या ये साइंस का घमंड? जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं उनको है, या सामान्य पुरुष जो अपने को बुद्धू समझते हैं उनको है? जो बहुत बुद्धिमान अपन को समझते हैं उनको घमंड कितना है साइंस का। परंतु
जो ऐसे घमंडी हैं, वो ही इस दुनिया का नाश करने के निमित्त बनेंगे। समझते हैं इस साइंस के द्वारा भारत स्वर्ग बन जाएगा, है? स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग साइंसदानों के द्वारा बनेगा। जो साइंसदान हैं वो घमंडी है, माने अभिमानी है। किस तरह के अभिमानी है? आत्माभिमानी कहें, वो तो देह अभिमानी है। तो जो देह अभिमानी है, देह जड़ तत्व है, पांच जड़ तत्वों से बनती है, पांच जड़ तत्वों के बारे में उनको जानकारी है, लेकिन इन पांच जड़ तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाला कौन है उसके बारे में उनको पता ही नहीं। कितना भी करें पांच तत्वों की जानकारी, परंतु मृत्यु को रोक पाते हैं, है? कोई भी मृत्यु को नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसका ज्ञान किसी को नहीं है। तो जब स्वस्थिति का ही ज्ञान नहीं है, स्व अर्थात आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो स्वर्ग कैसे बन जाएगा? स्वर्ग तो वास्तव में बनता ही तब है जब स्वस्थिति का ज्ञान हो। और स्वर्ग बनाने वाला कौन है? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग बनाने वाला है। ए साइंसदान मनुष्य घमंडी, ये स्वर्ग कैसे बनावेंगे? अभी थोड़े टाइम में मालूम पड़ेगा कि ये दुनिया नरक बन गई या स्वर्ग है। अगर स्वर्ग कहें भी तो थोड़े लोगों के लिए बन गई है या ज्यादा लोगों के लिए? ज्यादा लोग त्राही त्राही कर रहे हैं या सुखी घोषित कर रहे हैं अपन को? त्राही त्राही कर रहे हैं। तो इसको माया का पंप कहा जाता है। फॉल ऑफ पॉम्पिया एक नाटक भी बनाया है। क्या ये पॉम्पिया पंप एंड शो की दुनिया का विनाश होना भी दिखाया है? अपन भी कहते हैं इस समय भारत का पतन है, फाल है। सतयुग में उत्थान था, अभी पतन है। ये बात और कोई भी समझते नहीं है। कौन? कि भारत का इस समय पतन का काल चल रहा है या उत्थान का काल चल रहा है? भारत में इतनी ऊंची ऊंची अटारियां देख करके, बहुमंजिला इमारतें देख करके, बड़े बड़े कारखाने देख करके क्या समझते हैं भारत का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है? हैं? भारत दुनिया में कहते हैं 15-20 वर्षों में सब सर्वोपरि हो जाएगा, सबसे ऊंचे चला जाएगा। ऐसा माया का पंप भारत में फैला हुआ है। कोई समझते नहीं है कि ये कोई स्वर्ग थोड़े ही स्थापन हो रहा है, ये सब माया का पंप है। इस माया के पंप को खत्म होना ही है। ये दिल्ली जो इतना सजाए रहे हैं, पहले क्या बनेगी? ये दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी। कोई कहे कि क्या फालतू बकते हो, तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। तो प्रूफ बताओ। इस दिल्ली में जितना द्वैतवाद फैला हुआ है, अलगाववाद फैला हुआ है, इतना दुनिया के कोई भी शहर में ऐसा अलगाववाद और ऐसा संघर्ष नहीं है। कैसे? और दुनिया का कोई भी राजधानी ऐसी नहीं है
जहां दुनिया के बड़े से बड़े चार धर्म पनप रहे हों, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जहां हर धर्म के लोगों ने राज्य किया है, राज्य भी किया है, तो वो राज करने वाले अब विनाश भी करेंगे। दिल्ली ही पहले कब्रिस्तान बनती है, फिर दिल्ली ही परिस्तान बनती है। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि दिल्ली को परिस्तान किसने बनाया? अरे इंद्रप्रस्थ बनाया। किसने बनाया? इंद्रप्रस्थ माने इंद्र की स्थापित की हुई प्रकष्ट नगरी, प्रस्थ इंद्र देवता के द्वारा स्थापन की हुई प्रकष्ट नगरी किसने बनाई? इंद्र देवता। वो इंद्र देवता का नाम क्या दिया है शास्त्रों में? इंद्रप्रस्थ नगरी बसाने का निमित्त कौन बना? अरे कौन बनाई? किसने बनाई? पांडवों में मुखिया कौन था? कोई था कि नहीं? कौन था? युधिष्ठिर। उसका नाम क्या रखा है? युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इनका आपस में जो अंदर अंदर युद्ध हो रहा है, ये युद्ध है इतना विकराल रूप धारण करेगा कि दिल्ली में खून की नदियां बहेंगी। क्या बन जाएगी दिल्ली? कब्रिस्तान बन जाएगी। इसी दिल्ली को जो एक तरफ अंदर 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 कब्रिस्तान बनती जा रही है, आग सुलग रही है, शीत युद्ध फैल रहा है, वहीं अंदर अंदर स्थापना भी हो रही है। इंद्रप्रस्थ की स्थापना का कार्य भी चल रहा है और उसका किसी को पता नहीं है। जैसे दिल्ली कब्रिस्तान बनने वाली है, इसका भी किसी को पता नहीं है, वैसे दिल्ली परिस्थान बनने वाली है। ज्ञान परियों का स्थान पहले बनेगी या स्थूल परियों का पहले स्थान बनेगी? तो ज्ञान परियों की स्थान बन रही है। उन ज्ञान की परियों से बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी मुकाबला नहीं करेंगे, कतराएंगे बात करने से। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे ऋषि मुनि सन्यासी दीदी दादी दादाएं जो अपने को बड़े बड़े आस्था चैनल वगैरह में बैठ करके बड़े धुरंधर समझते हैं, वो भी उन ज्ञान परियों से मुकाबला नहीं कर सकते, उनको खत्म होना ही है। क्या वो सब खलास हो जाएंगे? मनुष्य समझते हैं इतने बड़े बड़े विमान हैं, बड़े बड़े महल हैं, चारों ओर रात्रि में कितना प्रकाश हो जाता है बिजलियों का। बाप कहते हैं ये जो तुम स्वर्ग समझते हो, ये स्वर्ग नहीं है, ये माया का अल्पकाल का पंप है। माया का पंप थोड़े समय का होता है। हिस्ट्री भी कहती है ये 200-250 वर्ष के अंदर ये साइंस का माया का पंप एंड शो निकला है, इससे पहले इतना नहीं था। ये जो रेल निकली है ये 1853 में पहली रेल निकली थी बंबई में, वो भी भाप की थी। अभी तो रेल भी बिजली से चलने वाली निकल पड़ी। तो लोग समझते हैं कि ये स्वर्ग बन गया,
अब स्वर्ग में अकाल मौत होती है क्या? स्वर्ग में तो अकाले मौत होती नहीं, वहां तो हर चीज कैसी होगी? फुल प्रूफ होगी, कोई भी प्रकार की दुर्घटना होगी ही नहीं। कोई कहे ऐसी दुनिया होती है क्या है? अरे घोर सोझरा होता है तो घोर अंधेरा भी होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि विरोधाभास न हो। हर चीज का विरोधाभास भी जरूर होता है, लेकिन टाइम अलग अलग होता है। अच्छा, ओम शांति।